हाँ बच्चों, इसके बाद दसवां है आवेग। आवेग बराबर बल गुणा समय। बल का एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई आपका जो कि आ गया टी। तो ये हो गया आपका एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। इसके बाद ग्यारहवीं राशि हम लेते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर इसका एक सूत्र होता है बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी, बल का आप जानते ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया है एम एल टी माइनस टू, और दूरी का हो गया एल। तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसके बाद एक राशि और लेते हैं आपके सामने गति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक बट्टा दो गुणा द्रव्यमान और गुणा वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बट्टा दो द्रव्यमान का हो गया एम, और वेग की जो है वीमा क्या होती है एम एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस वन, इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो एक बट्टा दो की कोई वीमा नहीं हुई, तो ये आ गया आपका एम एल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर और टी माइनस